श्री सूक्त हवन विधि सबसे पहले जो साहित्य लगने वाला है वो है आपको एक हवन कुंड लगेगा। उसमें ये जो है गाय के गोबर का कंडा है, ये एक पात्र में पानी लगेगा। मैंने नीचे ये जो कंस्ट्रक्शन में हम ईट यूज करते हैं वो रखी है ताकि टाइल्स खराब ना हो। जो दूसरा साहित्य है वो है घी। घी जो आपको लगने वाला है, ये चावल है जो कि सूर्य के आहुति के लिए लगने वाला है। और हमें सबसे जो महत्वपूर्ण लगने वाला है वो है समीधा। समीधा जो है वो आपको किसी भी पूजा साहित्य के दुकान में मिल सकती है। तो हमें तीन समीधाएं लगेंगी, ये समीधा हम रखते हैं और एक कुश भी हमें लगता है। सबसे पहले हम आचमन और संकल्प करेंगे, उसके बाद में हम कुंड को प्रज्वलित करेंगे। आचमन करते हैं हम ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षराय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरे नमः, ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः। प्राणायाम नियोगः, प्राणायाम करना है आपको आपके नाक के ऊपर हाथ रख के। ओम भू ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः। सत्यम गायत्री मंत्र पठनम, मन में एक बार गायत्री मंत्र को बोलना है। अभी हम संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए हाथ में पानी लेना है, पानी के साथ में आप गंध, अक्षत, फूल, दक्षिणा जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो। और आगे जो डिटेल संकल्प है उसका मेरा एक दूसरा वीडियो है, आप वो देख सकते हो। लेकिन अभी जो है मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे संकल्प बताने वाला हूँ, वो भी आप बोल सकते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु स्थितिर्विष्णुस्तथावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कर्णं चैव सर्वविष्णुमयं जगत् अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुण विशेषण विशिष्ठायां शुभपुण्यतिथौ। आगे आपको आपका नाम, आपका गोत्र, इनका उच्चार करना है और ये बोलना है शर्मा अहम् मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम् अस्माकं सकुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं मम सर्व मनोइप्सित कामना सिद्ध्यर्थम्। आपकी जो भी कामना रहेगी श्री सूक्त हवन करने के लिए वो आपको मन में बोलना है और आगे आपको कहना है श्री सूक्त हवन महम करिष्ये, ये बोलकर आपको ये पानी जो है तांबे के पात्र में छोड़ना है। ये संकल्प होने के बाद में हम कुंड को प्रज्वलित करेंगे। कुंड प्रज्वलित करने के बाद हम हवन चालू करेंगे। कुंड को प्रज्वलित करने के लिए आप कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो दिए में बाती होती है वो बाती आप घी में डुबोकर यहाँ पर रख सकते हैं। इससे भी उससे भी कुंड अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाता है। ओम चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादाद्वै शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति महो देवो मर्त्याव आविवेश।
अभी ये जो गौरे का कंडा है ये प्रॉपर तरीके से प्रज्वलित होने के लिए हम थोड़ा सा घी इसके ऊपर पहले डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्रज्वलित हो और हम आहुति अच्छी तरीके से दे सके। अभी जो साहित्य है उसको हम एक बार बोलेंगे, उपयमनकुशाः समिदस्तिस्रः मणिकोदकम् होम द्रव्यं च उपयमनकुशान्नादाय तिष्ठन् समिदोऽभ्यादाय स्वाहा। तीन संविदा की हमें आहुति देना है। सबसे पहले हम जो है सूर्य को आहुति दे रहे हैं और उसके बाद हम श्री सूक्त हवन स्टार्ट करेंगे। तिष्ठन् समिदोऽभ्यादाय स्वाहा अग्नेः प्रदक्षिणम् परियुक्षणम् इतरथावृत्तिः नलिकया प्रज्वाल्य। अभी जो चावल लिया है सूर्य आहुति के लिए उस चावल में थोड़ा घी डालना है और घी डालने के बाद में सबसे पहली आहुति है ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः। और दूसरी जो आहुति है वो है ओम स्वाहा इदं नमः। मैंने मन में प्रजापतये ये कहा है। सूर्य आहुति के बाद में श्री सूक्त हवन हम चालू कर रहे हैं। ओम दक्षिणतः आज्ञाय श्रयणम् सुवं प्रतप्य निधानम् आजोद्वासनम् अवेक्षणम् परदर्शनम् उपयमन कुशान्नादाय तिष्ठन् समिदोऽभ्यादाय स्वाहा। अग्नेः प्रदक्षिणम् परीक्षणम् वैतर्ता वृत्तिः नलिकया प्रज्वाल्य। अभी पहले जो आहुति देना है चार आहुति है, तब हम आहुति देने के बाद में जो ये पड़ी है इसका एक बार इसको यहाँ पे टच करेंगे, ये आखिरी में हमें प्रसाद के रूप में लेना है। ओम स्वाहा इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। अभी श्री सूक्त हवन हम चालू कर रहे हैं। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह स्वाहा। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणहं स्वाहा। ओम अश्वपूर्वाम रतमध्याम हस्तिनादं प्रबोधिने श्रीरं देवीं भवये श्रीरमा देवी ऋषतां स्वाहा। ओम काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम मारद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपोपये श्रियं स्वाहा। ओम चंद्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमिहिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीमे नश्यतां त्वां वृणे स्वाहा। ओम आदित्यवर्णे तपसो द्विजातो वनस्पतिस्तवृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः स्वाहा। ओम उपयतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे स्वाहा। ओम क्षुत्पिपासां मला ज्येष्ठां मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिरुदमे ग्रहात् स्वाहा। ओम गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करेशिने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपोपये श्रियं स्वाहा। ओम मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनारूपमन्नस्य मयि श्री श्रयतायशः स्वाहा। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा। ओम आपसृजन्तु स्निग्धाणि चिकलितवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा। ओम
आर्द्राम पुष्करणीम पुष्ठेम सुवर्णाम हेमनामिनीम सूर्याम किरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह स्वाहा। ओम आर्द्राम यकरणीम यष्टेम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह स्वाहा। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्यो श्वान विन्देयम् पुरुषानहं स्वाहा। ओम यस्वचित प्रयतो भूत वाजुहुया दाजमन्वहम् सूक्तं पंचदशरचं च श्रीकाम सततं जपेत् स्वाहा। अभी आगे फलश्रुति के लिए सिर्फ हाथ जोड़कर बैठना है। आहुति श्री सूक्त की यहाँ पर समाप्त हुई। आखिरी में कुछ और आहुतियां हैं फलश्रुति होने के बाद में। ओम पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम् अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे धनतां देवीं सर्वकामौश्च देहि मे पुत्र पौत्रं धनं धान्यं हस्तश्वाधिगमे रथं प्रजानां भवसि माता आयुष्यमन्थं करोतु मे धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसुभु धनम इंद्रो बृहस्पतिर वरुणं धनम अश्विनो वैन तेजसोमं पिब सोमं पिबतु रत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तजातिनां सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतराम शुकगन्धमान्यशोभे भगवते हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीदमह्यम् विष्णुपत्ने क्षमादेवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्य श्रुतवल्लभाम्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नेश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। पद्मानने पद्म विपद्मपत्रे पद्म प्रिये पद्मदलायताक्षी विश्व प्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधस्त्वम् आनन्दः करतमश्रीधश्चिकलीत इति विश्रुतः ऋषयश्रियपुत्राश्च मयि श्रीर्देवि देवता ऋणरोगादिदारिद्र्यं पापञ्च मृत्युवः भय अशोकमनस्तापानश्यन्तु मम सर्वदा श्रीर्वर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यमाभिलाष्टोपमानम् मह्यते धान्यम् धनम् पशुम् भौतलाभम् शतसंवत्सरम् दीर्घमायुः। अभी आगे कुछ नौ आहुतियां हैं। वो मंत्र मैं स्लोली बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलिए। और जैसे पहले आहुति के बाद में हमने यहां पर थोड़ा सा प्रसाद रखा था, वैसे ही हमें करना है। ओम भू स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि सिष्ठाः जलिष्ठो वन्नितमहाशोषुचाणो विश्वान्वेखाग्निंसि प्रमुद्यस्मत् स्वाहा इदमग्निम् वरुणाभ्याम् नमः। ओम सतवन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टो अस्य उखसो विश्वो अवयक्ष्मणो वरुणग्निरराणो बीहिमृणीकग्नि सुहवो न एधि स्वाहाम् वरुणाभ्याम् नमः। ओम अयाश्चाग्ने सनदिशस्ति पाश्च सत्यमित्वमया असि अयाणो जग्नम् वः सजाणो धेहि भेखजग्नि स्वाहा इदमग्नये अयसे नमः। ओम जेते शतम् वरुणजे सहस्रम् यज्ञिया पाशा वितता महन्तः ते धृणो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा
इदं मोनाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ओम उदुतमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमवृषरथाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्यायादितये नमः। ओम मन में प्रजापतये यह बोलना है, ओम स्वाहा इदं नमः। अभी ये जो प्रसाद रखा है ये हमें इस उंगली से अपनी जुबान पर लगाना है, प्रसाद ग्रहण करना है। संसो प्राशनम हाथ धोना है और एक बार आचमन करना है। हस्त प्रक्षारणम आचमणम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। अभी यहाँ पर एक प्रार्थना है अग्नि की, वो प्रार्थना मैं बोलूंगा, आप सुनिए। मैं धीरे बोलूंगा, पॉसिबल है तो आप पीछे बोल सकते हैं। ध्यान करना है अग्नि का। श्रद्धां मेधाश प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यं आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनम् कांडद्वयोपपाद्याय कर्म ब्रह्म स्वरूपिने स्वर्गापवर्गदात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदौषधम्। नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणायै नमः आहवनीयाय महावेद्यै नमो नमः। नमस्सभ्यावसत्याभ्यां नमस्ते श्रौतवन्नये विश्वबोध प्रबोधाय नमस्ते परमात्मने चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च भूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। प्रमादात् पुरतां कर्म पृच्छवेतात् द्वरेष्वयत् स्मरणादेव तदविष्णु सम्पूर्णं स्यादिति स्मृतिः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंशो भरवितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। त्रायुखञ्जमदग्नेः कस्य पश्य त्रायुखम् मा जज्ञेवे कुत्रायुखम् तन्नो अस्तु त्रायुखम्। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओखलीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अनेन श्री सूक्त हवनाख्येन कर्मणा भगवान् श्री यज्ञपुरुषदेवता प्रियता नमः। तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः हरये नमः। दोस्तों यहाँ पर श्री सूक्त हवन संपूर्ण हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वास्तु की प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक बार गो थ्रू कीजिए। आपकी बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी।